रही हो आप भैया, बाजा बजा के हम सब की बजा के रखी हुई है भैया, तुमने मेरी भी बजा दी। हाँ भाई, फाइनली रात के 12 बज गए हैं। नहीं बजाओ, रुक जाओ, मुझे बोलने दो। तो फाइनली जो है 13 अगस्त क्रॉस कर गया है और 14 अगस्त स्टार्ट है। ठीक है, क्या है इतने सारे कलेक्शन? लोगों के पास गाड़ी की होती है, घरों की वजह बस बाजी की। लोगों के पास गाड़ी होती है, लग्जरी लाइफ होती है, और क्या क्या होती है बेटा? बैंगलो होते हैं, और क्या होता है, बहुत कुछ होता है, बैंक बैलेंस होता है, और भी बहुत कुछ होता है ना। और हमारे पास बाजे का है, आतिशबाजी हो रही है। वाओ जबरदस्त, ये मैं अपने घर से कर रही हूँ शूट। ठीक है, ये सामने मस्जिद। ठीक है, ओके। मतलब यार जैसे ही रात के 12 बज रहे हैं, बाजे भी बज रहे हैं। ये भैया रुक जाओ, भैया प्लीज रुक जाओ। चलिए बरीड़ा, जल्दी चलते हैं, आपको कपड़े दिलाते हैं। बरीड़ा को कपड़े दिलाने के लिए 13 अगस्त की रात को जा रहे हैं हम लोग 1 बजे, क्योंकि बरीड़ा के कपड़े जो पिछले साल वाले हैं वो नहीं पहनाऊंगी मैं, इसको नए कपड़े लेके दूंगी। ओके चले। बरीड़ा को कपड़े दिलाने के लेके जा रही हूँ, मार्केट खुली रही है हमारी तरफ की। ठीक है, हम लोग घर पे रहो, सारे काम कर लेना जो जो मैंने बोला है। इन दोनों को ना मैंने एक काम दिया है घर में करने के लिए, के काम कर लेना, क्या क्या काम करना, घर थोड़ा बिखरा हुआ है उसको सही करके रखना। ओके, मैं आती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। चले बरीड़ा, पापा कहाँ है? पापा को जल्दी से बोलिए चलने के लिए। चलो बरीड़ा, चलते हैं हम लोग। मैं बरीड़ा को लेके जा रही हूँ, ओके, बाहर जा रही हूँ। चलो आ जाओ जल्दी, चलो। ओके, इस वक्त जो है रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट आप देखें खुली हुई है 14 अगस्त के हवाले से। रात के 1:30 कहीं से लग रहा कि रात के 1:30 बज रहे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह मार्केट में रश है ना, इससे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा कि ये रात के 1:30 बज रहे हैं। यहाँ बरीड़ा और बरीड़ा के पापा। हाँ बरीड़ा, आप भी जा रही हो फ्लैग लेके? टी शर्ट लेने आई हो 14 अगस्त के? टी शर्ट नहीं लूँगी, फ्रॉक लूँगी। ओके ओके, चले आ जाए, चले चलो आओ। कहाँ देखना है, यहाँ पे फ्रॉक नज़र आ रहा है ना, लेकिन बड़ा है ये काफ़ी। बरीड़ा की साइज़ की चूड़ी तो देखे, इसके साइज की चूड़ी दिखाइए ना अंकल, ये पसंद है, मेटल है। भैया ये लेना है, चूड़ी देखो ना, लेना है ये लेना। जल्दी बताओ कौन सा लेना, ये लेना। जल्दी बताओ, ये भी अच्छा है। ये अच्छा, साइज देखिए, साइज चेक करिए, साइज चेक करो भैया। जाओ भैया, जाओ अंकल के पास जाओ। आप इतना रश है, देखिए आप कितना ज्यादा रश है मार्केट में, माशाल्लाह से चूड़ियाँ ले रहे हैं 14 अगस्त के लिए, कपड़े ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। मैं भी बरीड़ा के लिए चूड़ी और कपड़े लेने के लिए आई हूँ। बरीड़ा आप चेक कर लो, ठीक है, दो ले लो। भाई चांद रात, ईद की चांद रात को चूड़ी पहनाते हैं, पहनने जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी 14 अगस्त की चांद रात को पहनने आई है। वाह, ये भी चांद रात है 14 अगस्त की, आज़ादी की। मुझे जाके एक मार्केट में, जो हमारी तरफ मार्केट करीब है, उसमें तो मुझे कोई कपड़े पसंद नहीं आए थे बरीड़ा के लिए, तो मैं यहाँ जो हूँ फाइनली दूसरी मार्केट पहुँच गई थी। और बरीड़ा और मैं उसके पापा सिर्फ गए थे, बच्चे जो है बाकी घर पे थे। तो वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि पता है 13 अगस्त की रात है और हर जगह मिली नगमा और तराने वगैरह, मतलब बहुत कुछ, बहुत लाउड स्पीकर पे जैसे सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज़ ही नहीं डब हो पाई थी। और बहुत ही प्यारा सा मार्केट को ये सजाया हुआ था, यहाँ बरीड़ा के कपड़े लेना बहुत मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और मुझे बहुत डर भी लग रहा था। बरीड़ा को इसके पापा लेके चल रहे थे हाथ पकड़ के, तो मैंने इनको कहा था कि आप बरीड़ा को जो है गोदी में ले लें। और यहाँ पे जो है ये ग्रीन वाला फ्रॉक है, मुझे फाइनली ये ग्रीन वाला फ्रॉक बरीड़ा के लिए बहुत पसंद आया था, इसको मैंने ट्राई भी करवाया था बरीड़ा को। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम सबको ले, मतलब मुझे और मेरी बेटी को लेके सामने अल्पाइन है, वहाँ चलते आइसक्रीम खा लेते, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जो है ना मुझे 15 मिनट लग गया था, आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रैफिक बहुत था वहाँ जो है ना, मतलब रश भी बहुत था वहाँ, लड़के जो है ना डांस वगैरह कर रहे थे। यहाँ बरीड़ा मस्ती कर रही है, फाइनली जो है हम अल्पाइन के अंदर आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। और बरीड़ा के स्टाइल चेक करें, मतलब ये इसके पोज तो देखे भाई, ऐसे ऐसे पोज दे रही थी ना,
और इसके पापा मेरे लिए और भैया के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चले गए थे, और यहाँ पे ये बाप बेटी जो है आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे किसी ने भी नहीं पूछा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। और नहीं, मुझे भी मेरे हस्बैंड ने आइसक्रीम ला के दिया था, ये तो मैं ऐसी मस्ती में मैंने ये बात कह दी। अभी मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी तो मैं नहीं खा रही थी, और मेरे हस्बैंड को मैंने ये बात जब बोला कि आपने मुझे नहीं ला के दिया, तो वो हंसने लगे। मैं मजाक में बहुत कुछ उनको कह रही थी, और बरीड़ा की मस्ती चेक करें। अच्छा, बरीड़ा अकेले थी और मैं ये हूँ, और मैंने भी आइसक्रीम खाया। अब जो है मेरी बारी थी आइसक्रीम खाने की, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करूँ, अगर आप लोगों को भी खाना है तो जल्दी से आ जाए आइसक्रीम खाने के लिए, ठीक है। यहाँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपनी बेटी के साथ इंजॉय कर रही थी। ये थी 13 अगस्त की रात की वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तो हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बरीड़ा ने यहाँ पर जो है पेंटिंग करवाई थी अपने हाथ पे, और उसके अलावा जो है यहाँ पर भी कोई म्यूज़िकल शो वगैरह हो रहा था। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।